हमीरपुर बाजार में रेलिंग लगाने के प्रशासनिक फरमान का व्यापार मंडल ने विरोध शुरू कर दिया है। व्यापार मंडल ने दो टुक शब्दों में जिला प्रशासन की दुकान सामने ग्रिल लगाने का कड़ा विरोध जताया और डीसी को ज्ञापन सौंपकर ग्रिल न लगाने की गुहार लगाई। वहीं डीसी राकेश कुमार प्रजापति ने व्यापार मंडल की मांग पर 28 फरवरी तक का समय दुकानदारों को देते हुए खुद ही सामान हटाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि जिला प्रशासन अतिक्रमण की समस्या से तंग आकर अब ठोस हल निकालते हुए बाजार के दोनों ओर लोहे की ग्रिल लगाने की तैयारी में है, जिसके लिए बाजार की पैमाइश के साथ दूसरी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। लेकिन व्यापार मंडल अपनी दुकानों के सामने ग्रिल लगाने के विरोध में उतर आया है। वहीं दुकानदारों की मांग है कि दुकानों के आगे केवल पीली लाइन लगाई जाए। से मिले हैं जो कि ने हमें ये बोला था कि आपकी शॉप्स के आगे रेलिंग लगेगी, उसके विरोध में आज हम सभी ने अपना विरोध जताया कि हम कोई भी रेलिंग नहीं लगने देंगे क्योंकि ये हमें उचित नहीं लग रहा है। इसका हमने अपना जो गांधी चौक से लेकर डीसी के शॉप तक हमने डीसा से लिया कि वहां पे हम कोई भी रेडी बड़ी नहीं लगने देंगे खुद ही, और वहां पे येलो लाइन लगाई जाए जिसके बाद हमारा कोई भी शॉपकीपर जो उसके बाहर येलो लाइन के बाहर कोई भी सामान नहीं रखेगा। यही हमारी डीसा से आज बात हुई। येलो लाइन के बाहर सभी को समझाएंगे कि प्यार से कि कोई भी येलो लाइन के बाहर हमारा व्यापारी भाई कोई सामान नहीं रखेगा, और कोई अगर रखता भी है तो उसको हम खुद हटाएंगे। जो गांधी चौक से लेकर डीसीएम तक की शॉप है वहां तक का एरिया हमने लिया हुआ है, वहां तक हम खुद सारी सफाई करवाएंगे। उपायुक्त राकेश प्रजापति ने व्यापारियों को साफ किया है कि शहर में अतिक्रमण को जड़ से खत्म करने के लिए रेलिंग ही एकमात्र उपाय शेष बचा है। उन्होंने व्यापारियों से कहा कि प्रशासन द्वारा शहर से बार बार अतिक्रमण हटाने के बाद दुकानदार अपना सामान फिर सड़कों पर सजा देते हैं, जिससे बाजार दिन प्रतिदिन सिकुड़ता जा रहा है। उपायुक्त ने व्यापार मंडल की फरियाद पर सभी व्यापारियों को 31 मार्च की बजाय 28 फरवरी तक की मोहलत दी है। बाजार में हम रेलिंग्स लगाने का प्रावधान करने वाले थे, तो जो ये व्यापार मंडल है पहले तो इन्होंने सहमति व्यक्त की थी, बट अब ये बोल रहे हैं कि सर हमें 2 महीने का टाइम दिया जाए, परंतु बीच का जो हमने रास्ता निकाला वो ये है कि 28 फरवरी तक इनको टाइम दिया जा रहा है। अगर इसके बावजूद भी अगर बाजार में यथास्थिति रहती है तो बिना पूछे एक तरफा कार्रवाई होगी। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का कहना है कि दुकानों के आगे ग्रिल लगने से दुकानदारी प्रभावित होगी। उन्होंने मांग की है कि ग्रिल की बजाय पीली लाइन लगा दी जाए और सभी दुकानदार अपनी सीमा के अंदर रहकर काम करेंगे। बता दें कि प्रशासन द्वारा प्रथम चरण में गांधी चौक से बाल स्कूल तक रेलिंग लगाने का कार्य शुरू होगा। माल रोड का सौंदर्यीकरण बना रहे इसके लिए उतक स्थान पर सुंदर रेलिंग लगाई जाएगी, जो बाजार की सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ाएगी। इसके तहत हर दुकान के बाहर रेलिंग लगाने के उपरांत 2 से 3 फीट का गैप छोड़ा जाएगा। इसके साथ ही गलियों, सार्वजनिक रास्तों व लिंक रोड के साथ भी रेलिंग लगाने के बाद गैप होगा। राकेश कुमार प्रजापति के अनुसार रेलिंग लगाने के उपरांत अतिक्रमण तो कम होगा ही, साथ ही माल रोड पर दुकानदारी सजाने वाले रेड़ी फेरी धारकों से भी छुटकारा मिलेगा। उन्होंने बताया कि माल रोड की दोनों ओर रेलिंग लगाने के साथ साथ लोगों की सुविधा के लिए लाल रंग के 100 डस्टबिन भी लगाए जाएंगे।